मान लीजिए 10 लोग मिलके या 20 लोग मिलके सामूहिक जाप कर रहे हैं, तो अगर एक भी व्यक्ति वहां सच्ची श्रद्धा से भगवान के श्री चरणों में यह जाप समर्पित कर रहा है, तो जब भगवान यहाँ पर पधारेंगे तो उस अकेले को आशीर्वाद थोड़ी देंगे, वो कहेंगे चलो कुछ तो कर रहे थे ना संगत में, तो बाकी 19 को भी आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। सबसे पहले ये जरूर है वो जिसकी सबसे ज्यादा सच्ची श्रद्धा होगी उसी के वजह से वो वहां पर प्रकट होंगे, मगर आशीर्वाद देते समय भगवान कंजूसी नहीं करेंगे कि बाकी 19 को आशीर्वाद देके ही बिना चले गए। तो सामूहिक जाप करने का सबसे बड़ा फायदा यही है। पर ये लोग तो है कि जाप कराते हैं मगर खुद नहीं जाते, कहते पंडित जी आप ही करते ना, टाइम नहीं। उस जाप का आपको कभी कोई फायदा नहीं, कभी आप मत सोचिए कि हमें किसी से जाप कराना है, आप स्वयं कीजिए। कोशिश करिए नहीं कर सकते सामूहिक रूप से कर लीजिए। और भगवान से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करिए। आपकी आंखें बंद है, भगवान पता नहीं कब आके आपके सिर पे हाथ फेर के चले गए, आपको पता भी नहीं चलेगा।